That is, हेमलेट एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो. हेमलेट को कहा जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, हेमलेट एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो इन हेमलेट, और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इन हेमलेट वी सी अ लवेबल बट एक्सेस्परेटिंग कैरेक्टर फॉर हुम एवरी ह्यूमन रिलेशनशिप इज स्पॉइल्ड बाय हिज एक्सेसिव सेंसिबिलिटी. वुड यू एग्री? सेकेंड है, वट इज शेक्सपियर्स यूजुअल कॉन्सेप्शन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो? हाउ फार डज हेमलेट कन्फर्म टू इट? और शेक्सपियर का यूजुअल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो क्या है? हाउ फार डज हेमलेट कन्फर्म टू इट? इससे पहले आप लोगों ने जो है अरिस्टोटल के हीरो के बारे में पढ़ा होगा. लेट सी कि शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो क्या होता है. वाइल राइटिंग आउट हेमलेट एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, वन कैन नॉट हेल्प रिपीटिंग सर्टेन कॉमन प्लेसेस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. वन हैज टू सम अप दैट ब्रैडली हैज सो एप्टली रिटन ऑन द सब्जेक्ट. Shakespearean tragedy is the story of human suffering leading to the death of protagonist. Shakespearean ki jo tragedy hai wo ek human suffering ki suffering hai jo ki lead karti hai to the death of protagonist. Protagonist kehte hai hero ko. It often involves the death of other characters, some of whom are good and some evil. This point naturally brings up the issue of poetic justice and the birth of the evil. और ये quite naturally bring up करता है issue of poetic justice को और bring करता है bring up birth of evil को. The order in the world is of course moral, but it produces evil quite mysteriously, which grows and envelops the whole status. Order जो है इस दुनिया में वो is of course moral भी है, लेकिन ये कुछ evil भी produce करता है mysteriously, जो कि ग्रो करते हैं और एनवेलप करते हैं होल स्टेट को. दिस एवल इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड इज फाइनली रैप्ड आउट, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इट एलिमिनेट सम ऑफ द गुड कैरेक्टर्स एज वेल. तो ये इवल जो है अपने आप को तो तबाह करता है, लेकिन वो कुछ अच्छे लोगों को भी तबाह कर देता है. देयर इज जस्टिस एट द एंड बट नॉट फॉर एवरीवन. जस्टिस तो होता है लेकिन हर किसी के लिए नहीं होता. The tragic hero in Shakespeare, as in Greek tragedy, is a man of average virtue. जैसे हमने ग्रीक ट्रेजेडी में पढ़ा था, उसी तरह जो है अभी डॉक्टर फॉस्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ग्रीक ट्रेजेडी क्या होती है, मॉडर्न ट्रेजेडी क्या होती है. अभी हम शेक्सपियर ट्रेजेडी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो शेक्सपियर ट्रेजेडी में जो है वो मैन ऑफ एवरेज वर्च्यू होता है, जो कि सफर करता है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर. जो कि सफर करता है अपने कैरेक्टर बिकॉज ऑफ अ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, कि उसके कैरेक्टर में एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एक खामी होती है, जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी को सफर करता है. द ओनली एक्सेप्शन इज मैकबेथ. सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो मैकबेथ है, वेयर द हीरो इज अ मैन ऑफ एवरेज वर्च्यू. जो कि हीरो तो मैन ऑफ एवरेज वर्च्यू होता है, बट हिज ट्रेजिक फ्लॉ इज सिनिस्टर इवल. लेकिन उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो उसका सिनिस्टर इवल होता है. इट रिजल्ट इन मर्डर एंड रेंडर्स हिम अ विलन हीरो. और वो रिजल्ट करता है मर्डर में और रेंडर करता है कि वो एक विलन हीरो है. लियर, ओथेलो एंड हैमलेट आर नॉट विलेनियस कैरेक्टर्स. लियर सफर फ्रॉम रैशनेस एंड लैक ऑफ इनसाइट, ओथेलो फ्रॉम जेलसी एंड हैमलेट फ्रॉम इनडिसीजन. दिस फ्लॉ इन कैरेक्टर मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद अरिस्टोटलियन हमार्शिया. हमार्शिया इज एन अच्छा लियर, किंग लियर की बात हो रही है कि किंग लियर जो है वो सफर करता है फ्रॉम रैशनेस. ये उसका यानी कि दैट इज द हमार्शिया, या उसका जो उसकी ट्रेजिक फ्लॉ है दैट इज द ये रैशनेस थी, ये ट्रेजिक फ्लॉ था रैशनेस, जो कि किंग लियर जिसकी वजह से सफर करता है, और लैक ऑफ इनसाइट. और ओथेलो का जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ क्या था कि ओथेलो जो है वो जेलसी की वजह से उसका डाउनफॉल होता है, और हेमलेट फ्रॉम इनडिसीजन. और हेमलेट जो है उसका उसकी डेथ क्यों होती है, उसकी इनडिसीजन की वजह से. दिस फ्लॉ इन कैरेक्टर मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अरिस्टोटलियन हमार्शिया. मैंने आपको बताया ना, एक हम अरिस्टोटल का हमार्शिया है, ट्रेजिक फ्लॉ है, और एक शेक्सपियर का है. और ये जो फ्लॉ इन कैरेक्टर है ये कंफ्यूज या नहीं होना चाहिए विद अरिस्टोटलियन हमार्शिया के साथ. हमार्शिया इज एन एरर ऑफ जजमेंट. हमार्शिया एक एरर ऑफ जजमेंट है कि आप किसी को जज करने में कुछ गलती कर देते हैं. इट इज नॉट अ डीपली
ingrained flaw which has been fostered by nature or habit. कोई ingrained flaw नहीं होता जो कि fostered by nature होता है या habit से होता है. Hamlet expounds Shakespearean theory of tragic flaw when Hamlet says, so often it chances in particular men that for some vicious mole of nature in them. Hamlet खुद कहता है कि so often it chances in particular men कि ये जो है ना tragic flaw ये अक्सर particular men में आता है that for some vicious mole of nature in them. शायद उनके अंदर कोई vicious mole होता है of nature, उनके अंदर खुद से होता है. मोल कहते हैं एक सुराख को. देन दीज मैन कैरिंग आई से द स्टैम्प ऑफ वन डिफेक्ट. और ये इंसान जो है उनके अंदर एक स्टैम्प होती है ऑफ वन डिफेक्ट, कोई एक गलती वो जरूर करते हैं. बीइंग नेचर्स लाइवली और फॉर्च्यून स्टार, और वो नेचर के लाइवली लिवरी सॉरी और फॉर्च्यून स्टार्स होते हैं, क्योंकि वो नेचर के लिवरी और फॉर्च्यून स्टार्स होते हैं, खुशकिस्मत लोग होते हैं. शैल इन जनरल सेंश्योर, जो कि इन जनरल सेंश्योर में होते हैं, टेक करप्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉल्ट, और वो इस पर्टिकुलर फॉल्ट की वजह से करप्ट हो जाते हैं. बोथ ग्रीक एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैव अ नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. ग्रीक और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में बहुत से नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं. लेट्स सी के व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन ग्रीक ट्रेजेडी, जिसको हम अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी कहते हैं, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या कॉमन पॉइंट्स हैं. The tragic hero is a man of outstanding merit. एक outstanding merit का मालिक होता है जो tragic hero होता है. Like वो कोई बादशाह होगा, वो कोई king होगा, वो कोई शहजादा होगा, कोई अमीरजादा होगा, कोई aristocratic होगा. Who occupies a place of honor in society as a prince or general. जिसको इस society के अंदर honor as a prince मिला हुआ होता है. He is of average virtue and suffers from a reversal of fortune, exciting pity and fear affecting. Catharsis of these emotions, however, Greek tragedy emphasizes fate. Fear affecting. मेरे ख्याल में आगे. He is of average virtue. Average virtue का मालिक होता है, यानी कि बहुत नेक भी नहीं होता और बहुत बुरा भी नहीं होता, बिल्कुल evil भी नहीं होता. Average virtue का मालिक होता है. And suffer from a reversal of fortune. और वो reversal of fortune की वजह से suffer करता है. Exciting pity and fear, affecting catharsis of these emotions. अब क्या होता है, उसकी रिवर्सल होती है उसकी फॉर्च्यून की, यानी कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वैसा होता नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक पिटी और फियर की कैफियत होती है, जो उसको हम catharsis of these emotions, यानी कि उसके साथ जो भी हो रहा होता है उसकी बुरी किस्मत होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हम जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, यानी कि हम जो रीडर्स हैं, हमने जब किताब पढ़ी तो हमें उस हीरो के साथ एक पिटी और फियर का एक इफेक्ट आता है हमारे अंदर कि हाय बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम ड्रामा देख रहे होते हैं, कोई ट्रेजेडी होती है और हम भी साथ रोना शुरू होते हैं. एक्चुअली दैट इज द कैथार्सिस ऑफ दीज इमोशंस. वो जो पिटी और फियर की कैफियत आती है एक स्पेक्टेटर के अंदर, जो कि उस हीरो के साथ, क्योंकि जब हम हीरो को थ्रू आउट शुरू से देख रहे होते हैं ना, तो हमारी एक उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है उस कैरेक्टर के साथ. तो जब उसके साथ कुछ बुरा होता है या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होती है, कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाता है, तो फाइनली हमारे अंदर एक पिटी और फियर की कैफियत आ जाती है कि अब आगे क्या होगा. और फाइनली फिर कैथार्सिस होता है उन इमोशंस का, उन पिटी और फियर्स का, और फिर आप देखिए कि आंखों से अक्सर आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं. हाउएवर ग्रीक ट्रेजेडी एम्पैथाइजेस फेट एज ओरिजिनेटिंग ट्रेजेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ट्रेजिक फ्लॉ. ग्रीक ट्रेजेडी में ये फर्क था कि वो ग्रीक ट्रेजेडी एम्फेसाइज करती थी फेट और डेस्टिनी में, कि इंसान का डाउनफॉल होता है फेट और डेस्टिनी के, क्योंकि उसकी किस्मत में ऐसे लिखा होता है. गॉड्स और गॉडेसेस और ओरेकल्स का इसमें काफी फंक्शन आ जाता है. तो वो एक्चुअली इसके अंदर था. आप लोगों के एक्चुअली कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है इडिपस रेक्स, अदरवाइज आपको फिर ये ग्रीक ट्रेजेडी बहुत अच्छी समझ आ जानी थी कि फेट और डेस्टिनी का क्या रोल होता है एक इंसान की ट्रेजेडी में या एक इंसान की जिंदगी में. और दूसरी तरफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ के ऊपर एम्फेसिस करती है. वो कहती है नहीं, शेक्सपियर ये कहता है कि इंसान का डाउनफॉल उसके अपने ट्रेजिक फॉल की वजह से होता है, फेट की वजह से नहीं होता. जबकि ग्रीक ट्रेजेडी क्या होती है, क्या कहती है कि फेट की वजह से इंसान का, इंसान जो है फेट और डेस्टिनी के हाथों मजबूर है. इन शेक्सपियर मैन इज हिमसेल्फ द एजेंट ऑफ हिज वो. शेक्सपियर में इंसान खुद अपने जो दुख है
उसका खुद जिम्मेदार है. इफ हैमलेट हैज दैट टेम्परामेंट ऑफ लर्टिस और फोर्टी ब्रास, इवेंट्स वुड हैव टेकन अ डिफरेंट कोर्स. अगर हैमलेट के अंदर टेम्परामेंट होता लर्टिस का या फोर्टी ब्रास वाला, तो शायद इवेंट्स जो है खुद एक डिफरेंट कोर्स ले लेते. However, it does not mean that fate or external forces are totally absent from Shakespearean tragedy. इसका मतलब ये भी नहीं है कि fate और external forces जो हैं वो totally absent थी Shakespearean tragedy से. Which is in Macbeth and Ghost in Hamlet represent fate, but they do not determine the action. The action is determined largely by the character of the hero. In Hamlet in particular, events tilt towards fate. इवेंट्स जो हैं वो फेट की तरफ चलते हैं, झुक जाते हैं या टिल्ट करते हैं फेट की. हैमलेट्स किलिंग ऑफ पोलोनियस, हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क. ठीक है, सबसे पहले जो है हैमलेट ने किल किया पोलोनियस को. ठीक है, फिर हैमलेट जो है वापस आया डेनमार्क बिकॉज ऑफ देयर एनकाउंटर विद पायरेट शिप और इंस्टांसेस ऑफ डिवाइन इंटरसेशन. तो ये वाकई इस डिवाइन इंटरसेशन यानी कि फेट का रोल था कि वो वापस आ गया था, नहीं तो कोई चांसेस तो नहीं थे ना, डाकुओं ने तो उसको मार देना था. दीज इवेंट्स मेक हैमलेट अफर्म द एसेंडेंसी ऑफ प्रोविडेंस व्हिच ही फाइंड्स वर्किंग इवन इन फॉल ऑफ अ स्पैरो एंड दिस मेक इट अ रिलीजियस प्ले. और यही चीज थी हैमलेट में जिसकी वजह से हमें उसके अंदर एक रिलीजियस थीम मिलती है कि एक स्पैरो भी जब मरती है ना या उसकी ट्रेजेडी होती है तो उसमें भी फेट और डेस्टिनी का हाथ होता है. हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो हैज ऑल द फीचर्स ऑफ अदर ट्रेजिक हीरोज. उसी तरीके से इसके भी वही फीचर्स हैं ट्रेजिक हीरोज के. हिज एक्सीलेंस एज अ सोल्जर स्कॉलर स्टेटमेंट्स इज एक्सटॉल्टेड बाय ओफेलिया. उसकी एक्सीलेंस के वो बहुत एज अ सोल्जर ये सब ओफेलिया भी मानती है. We have ample evidence of his work, mental brilliance, diplomacy, and expertise in court intrigue. Despite the deliberate and cunning attempt by Polonius and Laertes to blacken this character, we know him to be a man of honor. He never makes us feel that he would have betrayed Ophelia. In fact, he is too poor, idealistic, and good to suit this savage and evil words, as Ophelia also says about him. The courtiers, soldiers, scholars, eye, tongue, sword, the expectancy and rose of the fair state, the glass of fashion and the mold of form, the observed of all observer. Ophelia bhi uske bare mein yahi kehti hai, the courtiers, soldier. Ye hai, ye courtiers ka hai, soldiers ka hai, scholars ka hai, eye, tongue, sword. یعنی کہ یہ بہت ذہین ہے. دا ایکسپیکٹینسی یعنی کہ ایکسیلنسی کے لیول پہ یہ بہت ایک عظیم انسان ہے. اینڈ روز آف دا فیئر اسٹیٹ, اور یہ اس فیئر اسٹیٹ کا روز مطلب اس فیئر اسٹیٹ میں ابھر کے آئے گا. دا گلاس آف فیشن اینڈ دا مولڈ آف فارم, دا آبزروڈ آف آل آبزرور, اور یہ جو ہے آبزروڈ ہے آف آل دا, یعنی کہ سب میں نمایاں شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ Hamlet ki. And it is his refinement and sense of fair play which refrains him from killing Claudius because he is not sure. Aur yahi uski refinement of sense of fair play thi jo ki usko refrain karti hai, rokti hai ki wo Claudius ko mat mare because he is not sure that it is an honest ghost. Ke usko nahi pata hota ki wo jo ghost hai wo waqai honest hai ya nahi hai. The trouble with Hamlet, as he himself psychoanalysis, is his habit of thinking over much. A close study of soliloquy, to be or not to be, mistakes it quite clear. He debates whether to live or not, and his arguments involve him in consideration of sleep and death, and are uncertainties of life to come that he is robbed of power of action. This soliloquy is a masterly analysis of Hamlet's inadequacy for the task of revenge, which requires swift action and not dallying in fine speculation. Of all heroes of Shakespeare, Hamlet excites the sympathy of audience. Aur tamam heroes mein Shakespeare ke Hamlet jo hai wo excite karta sympathy of audience most because his flaw is inability to act. क्योंकि उसका फ्लॉ क्या था, उसके अंदर इनएबिलिटी थी कि वो एक्ट नहीं कर सकता था. नॉट एंड नॉट पॉजिटिव मेलवॉलेंस,
और ना ही उसके अंदर कोई पॉजिटिव मेल वॉलेंस थी. लियर वॉज अनजस्ट, डिक्टेटोरियल एंड क्रूअल. ओथेलो वॉज हाईली इमोशनल मैन हु किल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव अनफेयरली एंड मैकबेथ वॉज अ मर्डरर. Hamlet was involved in evil which was none of his creation because he did not act swiftly. He saw Ophelia, Gertrude and Lartius die and had himself to die before he could set right the time which was out of the joint. We cannot help marveling at the riddle of life and wondering why Hamlet met the fate he died. और हम जो है इस चीज में, इस riddle of life में marvel नहीं कर सकते, ना ही इस पे वंडर कर सकते हैं कि क्यों हैमलेट मेट द फेट ही डेड, कि हैमलेट जो है उस फेट से कैसे मिला जो कि वो कर चुका था. पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, देर इज नो पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी कि पोएटिक जस्टिस नहीं होता. पोएटिक जस्टिस क्या होता है? पोएटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो अच्छा इंसान होता है उसको अच्छा फल मिलता है एट द एंड, और जो बुरा इंसान होता है उसको बुरा फल मिलता है एट द एंड. और पोएटिक जस्टिस में ये कहा जाता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में कि उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं होता, ये बिलीव नहीं है उसमें पोएटिक जस्टिस का कि जो अच्छा इंसान है उसके साथ एंड पे अच्छा होगा. कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हैमलेट को शायद मरना ही नहीं चाहिए था, अगर उसने किल कर दिया था तो कुछ और होना चाहिए था, तो इस वजह से वो अच्छे के साथ तो फिर अच्छा नहीं हुआ ना, अच्छे के साथ भी बुरा हो गया और बुरे के साथ भी बुरा हो गया. तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में पोएटिक जस्टिस जो है वो नहीं था. दूसरा, शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो इज अ मैन ऑफ एवरेज वर्च्यू. शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो जो है वो अ मैन ऑफ एवरेज वर्च्यू होता है. शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो इज अ हाईली प्लेस्ड पर्सन, एक ऊंचे ओहदे का मालिक होता है. हैमलेट फुलफिल्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो. हैमलेट फ्लॉ इज हिज हैबिट ऑफ थिंकिंग ओवर मच. हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? कि बहुत ज्यादा सोचता था. Hamlet as a tragic hero is most successful creation of Shakespeare pen, और Hamlet जो है वो as a tragic hero most successful जो है वो Shakespeare का hero है.